हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सूजी की कचौड़ियाँ। सूजी की कचौड़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने 250 ग्राम सूजी ली है। हम सबसे पहले आधा किलो आलू को धो कर के एक कुकर में उबलने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर मैं एक गिलास पानी डालूँगी और कुकर को प्रेशर लगा करके दो सीटियाँ आने तक रख देती हूँ। जब तक इसमें सीटी आती है, हम सूजी को भिगो देते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम सूजी ली है और गुनगुने पानी में मैं इसको फूलने के लिए आधे घंटे तक छोड़ देती हूँ। हम इसमें पानी डालेंगे, गुनगुना पानी। हमें बहुत ज़्यादा पानी, बहुत पतला पेस्ट नहीं बनाना है, हमें इसको गाढ़ा ही रखना है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और उसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। इस तरीके से हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, हमारा गाढ़ा पेस्ट बन करके तैयार है। हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, वरना कचौड़ियाँ नहीं बन पाएंगी। अब हम इसे आधा घंटे तक सेट होने के लिए छोड़ देते हैं और हम अपने बाकी मसालों को तैयार कर देते हैं। यहाँ पर मैं इसे कवर करके रख देती हूँ आधा घंटे के लिए। यहाँ पर मैंने बारीक कटा हुआ धनिया लिया है, लाल मिर्च पाउडर लिया है, हींग ली है दो चुटकी, जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, नमक स्वादानुसार। ये देखिए दोस्तों, हमारे आलू उबल करके तैयार हो गए हैं। हमें इन्हें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। मैंने इन्हें पानी से बाहर निकाल लिया है। हम इसे गर्म ही छील करके साफ़ कर लेते हैं और एक मैसर की सहायता से इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं। मैं इसको गर्म इसके लिए छील रही, साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ठंडे होने पर आलू में गुठलियाँ पड़ जाती हैं और वो अच्छे से बारीक नहीं होते, उनका अच्छे से मैश नहीं हो पाते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैसर की सहायता से मैं इसे अच्छे से बारीक मैश कर लेती हूँ, क्योंकि ये अभी गर्म है तो ये बहुत ही अच्छे से मैश हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं है और ये अच्छे से मैश हो चुके हैं। इसी तरीके से हम बाकी आलूओं को मैश कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का बर्तन लिया है। अब मैं इसमें सबसे पहले सूजी डालूंगी। सूजी का जो हमारा पेस्ट बन करके तैयार था, मैं पूरा का पूरा सूजी का वो डालूंगी इसमें। अब हम इसमें मैश किया हुआ आलू ऐड करेंगे। अब पूरा ही आलू डाल लेंगे इसमें, हरा धनिया मैंने बारीक काट के रख लिया था, बारीक कटा हुआ धनिया डालिएगा, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, दो चुटकी हींग के, नमक स्वादानुसार। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ मैंने आटा लिया है। हम एक बार में इसमें गेहूं का आटा नहीं डालेंगे, हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। हमें बहुत ज़्यादा आटा नहीं डालना है, हमें उतना ही आटा डालना है जिससे कि हमारा मिश्रण सूख जाए और कचौड़ियाँ बनाने लायक हो जाए। ये देखिए दोस्तों, हमारा मिश्रण अच्छे से मिक्स हो गया। मैं इसमें आटा ऐड करूँगी, थोड़ा थोड़ा आटा डाल करके इसको गूंथते जाना है। बहुत ज़्यादा आटा एक बार में नहीं डालना है। अभी अभी हमारा मिश्रण गीला है, इसमें हम और आटा ऐड करेंगे इस तरीके से, जब तक कि ये कचौड़ी बनाने लायक ना हो जाए। अब हमें हाथ में रिफाइंड ऑयल लगाएंगे और इसे अच्छे से ऊपर से नीचे घुमा देंगे, इससे आटा हाथ में चिपकेगा नहीं। अब इसे इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इनके गोले बना लेंगे। हमें उतने ही गोले बनाने हैं जितनी कचौड़ियाँ हम बेल सकें। हमें बहुत ज़्यादा गोले बना के नहीं रखने हैं। हाथ में रिफाइंड ऑयल लगा करके हम इनके गोले बना के रख लेते हैं। इस तरह से बहुत ही आसानी से और बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी कचौड़ियाँ बनती हैं।
इस तरह की कचौड़ियाँ बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। जब तक हमारा ऑयल गर्म हो के तैयार होता है, मैंने फुल फ्लेम कर दिया है। हम कचौड़ियाँ बेल करके तैयार कर देते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरीके से बहुत ही आसानी से कचौड़ियाँ बेल करके तैयार हो गई हैं। अब हम इसे कढ़ाई में डाल करके छान लेते हैं। हमें गैस की फ्लेम को फुल ही रखना है, तेज़ी आँच से कचौड़ियों को छानना है। ये देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी कचौड़ियाँ बन करके तैयार हो रही हैं। फूली फूली सी कचौड़ियाँ बन करके आ रही हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसी तरीके से हमें अपनी बाकी कचौड़ियों को सेक लेना है। ये देखिए दोस्तों, हमारी सारी कचौड़ियाँ बन करके तैयार हो गई हैं। बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी कचौड़ियाँ बन करके तैयार हुई हैं और बहुत ही आसानी से हमने बनाई हैं। देखिए दोस्तों, कितनी सॉफ्ट है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। एक बार बना करके देखिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।